कुत्ते ने काट लिया। अब घरेलू कुत्ता काटे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पागल कुत्ता काट ले तो समस्या है। सड़क वाला कुत्ता काट ले तो आप जानते हैं नहीं कि उसको इंजेक्शन दिए हुए हैं नहीं दिए हुए, और उसने काट लिया तो अब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो फिर वो 14 इंजेक्शन लगाएगा, और वो भी पेट में लगाता है, और इतना पेन होता है, इतना तकलीफ देता है, खर्चा उसमें हो जाता है कम से कम 50,000 तक कई बार। गरीब आदमी के पास वो भी नहीं है, तो एक मेडिसिन उसकी भी मैं आपको बता देता हूँ, वो भी आप अपने घर में रखिए। कुत्ता कभी भी काटे, पागल से पागल कुत्ता काटे, घबराइए मत, चिंता मत करिए, बिल्कुल ठीक होगा वो आदमी। उसको वो मेडिसिन दे दीजिए ऐसे ही, एक एक ड्रॉप 10-10 मिनट में 3 बार। मेडिसिन का नाम है हाइड्रोफोबिनम, HYDRO PHOBINUM, हाइड्रोफोबिनम, BINUM, बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉय, हाइड्रोफोबिया होता है ना, उसी से बना हाइड्रोफोबिनम। पोटेंसी उसकी 200, 200, और तरीका वही है, लिक्विड फॉर्म में ले लीजिए, एक एक ड्रॉप जीप पे डालिए 10-10 मिनट में 3 बार, 200। कितना भी पागल कुत्ता काटे, बिल्कुल आप उसको बिंदास दे दीजिए और भूल जाइए, फिर मन में ये मत रखिए कि इंजेक्शन लगवा। ये दवा दो ही चीजों से इसको बचाना है, एक तो सूरज की धूप से और रेफ्रिजरेटर से। हाइड्रोफोबिनम है, पागल कुत्ता काट लेगा तब आप उसके लिए यूज करें। कोई दूसरा है तब तो चिंता ही मत करिए, फिर क्या दिक्कत है। रेबीज जो होता है वो सिर्फ पागल कुत्ते के काटने पे ही होता है। अगर सेंसिबल कुत्ता है तो कितना भी काटेगा नहीं होगा, लेकिन हमारे मन में वहम ऐसा बैठा हुआ है, डर ऐसा बैठा हुआ है कि कई बार वो आदमी रेबीज से नहीं मरता, वो वहम से मर जाता है। हाँ, उस समय तो कुछ करना ही नहीं है, थोड़ा हल्दी लगा दीजिए बस। स्ट्रे डॉग काट दिया है तो आप अपने मन का वहम दूर करने के लिए ये दवा दे सकते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि उससे कुछ नहीं होता। स्ट्रे डॉग काट लेगा अगर वो पागल नहीं है तो पेशेंट को कुछ नहीं होता, वो हमारे मन का वहम है जिसमें हम परेशान रहते हैं। और कुछ डर डॉक्टरों ने बिठा रखा है कि इंजेक्शन तो लेना ही पड़ेगा, तो ऐसा तो करना ही पड़ेगा। अपने बॉडी में थोड़े बहुत रेजिस्टेंस सबके पास है, अगर कुत्ते के काटने से उसकी लार ग्रंथियों के कुछ वायरस चले भी गए हैं तो उनको खत्म करने के लिए अपने ब्लड में काफी कुछ है, वो खत्म कर ही लेता है। लेकिन चूंकि मन में डर बिठा दिया है, भय बैठ गया है, शंका हो जाती है, हमको कंफर्म नहीं होता जब तक कि हम 20-50 हजार खर्च नहीं कर लेते, ये उस समय के लिए मैंने कहा कि आप ये दवा ले लीजिए और इसका एक एक ड्रॉप 10-10 मिनट में 3 बार डाल के छोड़ दीजिए, भूल जाइए, आप भी और पेशेंट से कहिए वो भी भूल जाए। एक ही दिन और 10-10 मिनट माने 30 ही मिनट में सब काम करता है। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, कुत्ते को दे सकते हैं, नहीं तो मारना पड़ता है ना। देखिए, अगर कुत्ते को कुत्ते ने काटा है तो उसके लिए तो इसकी जरूरत ही नहीं है दूसरा, क्योंकि कुत्ता जो है ना आपसे ज्यादा रेजिस्टेंस वाला है। उसके लिए तो इतना ही करिए कि दूध पिला दीजिए हल्दी डाल के। आपके घर के कुत्ते को बाहर के कुत्ते ने काट लिया तो आपके घर के कुत्ते को दूध तो आप पिलाते हैं, बस उसमें थोड़ी हल्दी डाल दीजिए और लगातार 3-4 दिन डाल दीजिए, उतने में ही वो अपनी जान बचा लेगा। जिस बच्चे ने उनकी घर का कुत्ता ही के लिए दांत लगा दिया, हाँ खाली हल्दी लगा दीजिए। जैसे घर के कुत्ते के दांत कई बार जाने अनजाने, कुत्ता बहुत समझदार जानवर है, हमसे ज्यादा समझदार है, हाँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो घर के बच्चों के साथ खेल कूद कर रहा है और गलती से उसका कोई दांत लग गया, तो तुरंत आप इतना ही करिए कि जहां दांत लग गया है वहां थोड़ा बहुत ब्लड आएगा, वहां हल्दी लगा दीजिए, बस खत्म हो गई बात। साबुन से बिल्कुल मत धोइए, साबुन प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि साबुन से धोएंगे तो जरूर उसमें सूजन आ जाएगी और पक जाएगा। साबुन क्या है वो जान लीजिए, कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बहुत तेज रिएक्ट करता है। ओपन वुंड जो होती है, खुली हुई चोट, उसमें गलती से भी साबुन अप्लाई मत करिए। आपके घर में बहुत अच्छा है एंटीबायोटिक, एंटी टिटनेटिक, एंटी पायरेटिक, एंटी इंफ्लेमेटरी हल्दी,
लगा दीजिए थोड़ी देर, खत्म बात। लाल मिर्च मत लगाइए क्योंकि बहुत जलन होती है, बहुत जलन होती है। लाल मिर्च कर सकते हैं लेकिन जलन इतनी होती है कि पेशेंट बेचारा चिल्लाना शुरू कर दे। उससे ज्यादा सूदिंग इफेक्ट है हल्दी के, आप उसे यूज करिए।